नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री राम ने भेजा है आपके लिए बहुत ही अच्छी संकेत। दोस्तों, सुन लिए, समझ लिए तो आपके जीवन काल को बदलने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता। क्यों दोस्तों, जहां सभी देवी देवताओं का मान्यता है, वहां पर भगवान श्री राम का भी मान्यता है। भगवान श्री राम सभी देवी देवताओं में से एक ऐसे देवी देवता है जो कि व्यक्ति के जुनकाल पर अगर एक बार मेहरबान हो जाए तो दोस्तों उन्हें अनेकों प्रकार के संकेत देते हैं, अनेकों प्रकार के ऐसे मौके देते हैं कि उनके जुनकाल पूरी तरह बदल जाए। जी दोस्तों, और यश में भगवान श्री राम भी आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान हो चुके हैं। यूँ कहें तो आपके ऊपर भगवान श्री राम का आशीर्वाद आ चुका है, जो कि दोस्तों आपको यह संकेत भेजे हैं। यह संकेत क्या क्या है, कौन कौन सी खुशखबरियाँ हैं, सभी के बारे में आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बताने वाले हैं, वो भी बहुत ही गहरी तरीके से। ग्रह गोचर पर निर्मित आज का यह वीडियो भगवान श्री राम के लिए बहुत ही बड़ा वरदान है आप सभी के लिए। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। ये दोस्तों भगवान श्री राम के लिए वीडियो को एक लाइक आप जरूर करें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन से जय श्री राम लिख दें। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आपके सारे बिगड़े कार्य बन जाएंगे। और दोस्तों, चैनल को भी आप जरूर ही सब्सक्राइब कर लें। भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप सभी को प्राप्त होता रहेगा। जी दोस्तों आप सभी को बता दें कि किसी को अभिमान होता है अपने वैभव के बल का, किसी को अभिमान होता है अपने पद के बल का, और किसी को अभिमान होता है अपने शरीर के बल का, किसी को अभिमान होता है अपने सौंदर्य के बल का, साथ ही किसी को अभिमान होता है अपने परिजनों के बल का। लेकिन दोस्तों, हमारे श्री हनुमान जी महाराज को अभिमान है प्रभु श्री राम जी के दूध होने का। जी दोस्तों, इसके कहने का अर्थ यह है कि ईश्वर की भक्ति छोड़कर बाकी सभी चीज ईश्वर योग्य है, इसलिए हमें ईश्वर शिक्षा श्री हनुमान जी से लेनी चाहिए। ये अभिमान हमें ईश्वर के स्वरूप के होने का गर्व महसूस कराता है, न कि अहंकार। अगर अभिमान ही करना है तो ईश्वर के सेवक होने का करो, जो इस संसार में हमेशा के लिए आदि अनंत है। अर्थात इसके प्रभाव से हम क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, मोह और अहंकार से दूर रहते हैं। ये दोस्तों, इसलिए हमें ईश्वर की भक्ति सेवा का अभिमान गर्व होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों ईश्वर की भक्ति अनंत है और इस पवित्र सेवा में ही सब कुछ निहित है। क्योंकि आप जो चाहो वो वस्तु प्राप्त कर सकते हो या फिर वो वस्तु आपको प्राप्त हो सकती है, केवल किसी का बुरा छोड़कर। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम, हनुमान जी महाराज की जय। जी दोस्तों, तो दोस्तों यह ज्ञान अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक जरूर करें और इनके लिए कमेंट बॉक्स में लिख दें जय श्री राम, जय सीताराम। ये दोस्तों, आपके सभी बिगड़े कार्य बन जाएंगे। तो आए दोस्तों, से की साथ बात करते हैं कि भगवान श्री राम ने आप सभी के लिए कौन कौन से संकेत भेजे हैं। आने वाले समय में, आने वाले 7 दिनों के अंदर आपको कौन कौन सी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली है। ये दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर आप भक्ति भाव पर यकीन रखते हैं, भगवान श्री राम पर विश्वास रखते हैं, तो दोस्तों आपके जीवनकाल में ये खुशखबरियाँ आपको तो मिलकर ही रहेंगी। और दोस्तों, आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा कि आपको आखिर कौन सी खुशखबरी बहुत ही जल्द 7 दिनों के अंदर मिलने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि भगवान श्री राम का आशीर्वाद अब आपके साथ हो चुका है और आपके जीवनकाल में अब ये बड़े बदलाव होकर रहेंगे। हम आप सभी को बता दें कि दोस्तों, आने वाले 7 दिनों के अंदर भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी का जो दिन होगा व्यवस्था से भरा रहेगा, क्योंकि यश में आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं और उन कार्यों में आप बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम का गुणगान या पूरे सप्ताह में आपको करना है। सामाजिक गतिविधियों में भी आपकी यश में रुचि बढ़ने वाली है। बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी यश में आपको भगवान श्री राम के आशीर्वाद से मिलने वाले हैं। घर के नज़दीकी के जो संबंधी हैं उनके आगमन से खुशनुमा माहौल भी यश में रह सकता है, क्योंकि बहुत ही बड़ी जश्न आपके घर पर होने वाली है, क्योंकि भगवान श्री राम का आशीर्वाद आप सभी के जीवनकाल पर ऐसे होंगे कि खुशखबरियाँ आपके पूरे परिवार को खुश कर देंगे। जी दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें कि संतान के भविष्य को लेकर फायदेमंद योजनाएं पर काम भी यश में होगा। दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि बिजनेस में जो भी व्यक्ति है यश में, उनको बहुत ज़्यादा फायदे मिल सकते हैं। पूरी तरह मेहनत भी आप करते रहें,
क्योंकि भगवान श्री राम हमेशा यह बात कहते हैं कि जो भी व्यक्ति अपने आप पर मेहनत करेगा, खुद के भविष्य को बदलने में मेहनत करेगा, मैं उनके साथ हमेशा रहूँगा। जी हाँ दोस्तों, भगवान श्री राम के आशीर्वाद से यश में आपको मार्केटिंग संबंधी कार्यों में भी बहुत ही ज़्यादा लाभ मिलने वाले हैं। ऑफिस में दूसरों की गतिविधियों पर आप जो है हस्तक्षेप ना करें दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि आने वाले समय में नए कामों की योजनाएं भी बनेगी, उन पर काम करने के लिए कुछ लोगों की मदद भी लेनी पड़ेगी, जो कि दोस्तों लोग आपको मदद भी करेंगे क्योंकि उनके मस्त मस्तिष्क में आपके लिए कोई भी बुराइयां नहीं होंगी। वरना दोस्तों आपके आस पड़ोसी के लोग ऐसे हैं कि आप खुद ही जानते हैं, कभी भी आपको देखना पसंद नहीं करते। जब भी आप उनसे कोई मदद लेने जाएंगे तो दोस्तों वो हाँ तो कर देंगे पर मौके आने पर पीठ दिखाकर चल देंगे। लेकिन दोस्तों ऑफिस के कार्यों में आपके साथ ऐसा नहीं होगा। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से जीवन बहुत ही अच्छा यश में व्यतीत होने वाले हैं, बहुत ही अच्छा कार्य आप सभी का बनने वाले हैं। यश में आत्मविश्लेषण द्वारा स्वयं की व्यक्तित्व में और अधिक निखार लाने का आप प्रयास करें। स्थान परिवर्तन की संभावना भी प्रबल होंगी। साथ ही साथ दोस्तों हम आप सभी को यह बात बता दें कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन काल में किसी महत्वपूर्ण कार्य करने की जो उपस्थिति है वह बढ़ सकती है। कार्यों में आपको बहुत ज़्यादा लाभ की संभावनाएं बन रही है। शायद दोस्तों आपको बता दें कोई नया अगर कार्य कर रहे हैं तो दोस्तों यश में पारिवारिक सदस्यों की सलाह आप अवश्य लें, क्योंकि दोस्तों बड़े बुजुर्गों का सलाह भगवान का सलाह के बराबर है। तो दोस्तों ज़रूर यश में आप इन पर ध्यान दें। पिछले कुछ समय से चले आ रहे जो तनाव हैं यश में खत्म होंगे। संतान के करियर संबंधी कोई सूचना भी आपको मिल सकती है जिनसे आपका घर में खुशियों भरा वातावरण भी रहने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि बहुत ही जल्द आप शुभ के जीवन काल में इनकम के लिहाज से जो समय है बहुत ही अच्छा गति से आगे बढ़ने वाले हैं। आप अपनी सोच या फिर बुद्धिमत्ता से हर समस्या का हल प्राप्त कर लेंगे और उनमें सक्षम भी रहेंगे, क्योंकि यश में भगवान श्री राम आपके साथ रहने वाले हैं। यूँ कि उनका आशीर्वाद आपके जीवन काल में चमत्कार के रूप में कार्य करेगा। हर बिगड़े कार्य भी आपके बन जाएंगे। किसी संत या फिर अपने गुरु के सानिध्य में रहना आपको मानसिक शांति प्रदान करेगा। साथ साथ दोस्तों यश में आप भगवान श्री राम के चरणों में भी अवश्य जाएं, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी समय साबित होंगे। बच्चे भी यश में आपके आज्ञाकारी बनेंगे, आपके बात को मानेंगे, जो भी आप उन्हें कहेंगे वे स्वीकार करेंगे। रिश्तेदारों अथवा पड़ोसियों के साथ चल रही गलतफहमियां यश में दूर होने वाली है। दोस्तों आप शुभ को बता दें कि आप हर काम को व्यवस्थित तरीके से पूरा करने की कोशिश करेंगे और यश में आप कामयाब भी रहेंगे। जिन कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति हुई थी तो दोस्तों यश में आप अपने मेहनत और लगन के विश्वास पर होकर उन कार्यों में भी आप सफलताओं को अर्जित कर लेंगे और लोगों को दिखा देंगे कि आप भी किसी से कम नहीं। परंतु दोस्तों हम आप शुभ बता दें कि कभी भी अपने सफलताओं पर घमंड ना करें, क्यों दोस्तों ये भगवान का आहार होता है। घमंड किसी के ऊपर भी ना करें। हम आप शुभ बता दें कि समय आपके पक्ष में यश में होने वाले हैं। पूरे मनोयोग से अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहें। आर्थिक स्थिति आपकी यश में सशक्त बनेगी। युवा वर्ग अपने करियर के प्रति पूरी तरह एकाग्र रहेंगे और सफलता भी आपको प्राप्त होगी। जी हाँ दोस्तों, इसके उपरांत हम आप शुभ बता दें कि आपका जो सामाजिक दायरा है यश में बढ़ने वाले हैं, क्योंकि समाज में आपका मान सम्मान यश में बढ़ेगा। प्रभावशाली लोगों से भी आपके संपर्क बनेंगे। बहुत ही बड़े बड़े कार्यों में आपको भाग लेने का मौका मिल सकता है। भगवान श्री राम का आशीर्वाद आपको समय समय पर मिलता रहेगा। आपको बता दें कि यश में जय श्री राम का आप जाप जरूर करें। दिन हो रात हो सुबह शाम आप जय श्री राम रघुपति राघव राजा राम का जाप करें। दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही बड़े चमत्कार आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें कि पारिवारिक गतिविधियों जो भी समस्याएं परिवार के बीच हुई थी दोस्तों यश में खत्म होगा और परिवार में आपका सामंजस्य बना रहेगा। ध्यान रहे कि दोस्तों यश में आप किसी के भी प्रति बुरा भला ना सोचें, किसी के ऊपर यश में आप शक ना करें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से यश में आपको करियर के क्षेत्र में बहुत ही बड़ा खुशखबरी मिलने वाली है। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, अगर आप करियर के क्षेत्र में कोई भी बिजनेस करते हैं, छोटा दुकान है या फिर कोई बड़े बिजनेस हैं, तो दोस्तों यश में आपको बहुत ही अच्छा तरक्की देखने को मिलेंगे। या फिर अगर आपके पास कोई बिजनेस नहीं भी है तो दोस्तों यश में आपको उनमें खुशखबरी मिलेगी। आपके कोई स्टार्टअप बन सकता है, कोई बिजनेस आप शुरू कर सकते हैं। एक प्रकार से बहुत ही हसीन पल आपका इंतजार कर रहा है। पिछले कुछ समय से
जो भी दीर्घकालीन योजनाएं बनाई थी अब उन्हें कार्य रूप देने का अनुकूल समय आ गया है। दोस्तों यश में किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान निकालने के लिए जो समय है बहुत ही उत्तम समय है। बैठकर बात करें, समस्याओं का हल होगा। शायद दोस्तों आपको बता दें कि युवा वर्ग को कोई महत्वपूर्ण उपलब्धि भी हासिल होने से आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों यश में भगवान श्री राम आपको क्या कहते हैं कि कौन सी सावधानियों को आप रखें ताकि आपके लिए धन आवक बढ़ेगी और समस्याएं कम होगी, लोगों से दुश्मनों से आपको छुटकारा मिलेगा। दोस्तों यश में आप बिना जाने समझे किसी के ऊपर विश्वास ना करें। किसी को अगर अपना कार्य दे रहे हैं तो दोस्तों सबसे पहले उनकी आप जांच पड़ताल करें कि यह व्यक्ति आपके लिए सही है या फिर गलत है, तभी उन पर विश्वास करें। साथ ही कुछ लोग आपको यश में नीचा दिखाने का भी प्रयास कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको लग रहा है कि यह व्यक्ति आपके लिए गलत है तो उनसे सतर्क रहने की भी आपको आवश्यकता होगी। लव लाइफ के लिए जो समय होंगे बहुत ही अच्छा समय आने वाले हैं। भगवान श्री राम के आशीर्वाद से किसी पारिवारिक सदस्य की विवाह संबंधी कोई उत्तम रिश्ता भी यश में आ सकता है। शायद दोस्तों के साथ गेट टुगेदर संबंधी प्रोग्राम बनेंगे और काफ़ी अच्छा माहौल यश में आपको देखने को मिलेंगे। जो दोस्तों अलग अलग विचारों के व्यक्ति या फिर जिनके व्यक्तित्व में काफ़ी फर्क है ऐसे लोगों से आपके लिए जो है आकर्षण बढ़ सकता है, आप उनके तरफ आकर्षित हो सकते हैं। दोस्तों वीडियो के आखिरी में भगवान श्री राम का एक बहुत ही अच्छा ज्ञान आप सभी को दे दें। दोस्तों भगवान श्री राम कहते हैं कि मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। अपने हर क्षण को सुधारो जिससे कि मृत्यु मंगल हो। इस संसार में कभी कहीं कोई किसी के साथ सदा नहीं रह सकता। जिसने आज जुड़े हुए हैं उनसे एक दिन बिछड़ना पड़ेगा। जे दोस्तों जीव अकेला ही पैदा होता है और अकेला ही मरकर जाता है। अपनी करनी धरनी का पाप पुण्य का फल भी अकेला ही भुगतता है। अतः धर्ममय जीवन जीना चाहिए जिससे कि मृत्यु के बाद भी नरक में न जाना पड़े। बिना नागा भजन सिमरन करो। तो दोस्तों यश में भी आपको समय के साथ कार्यों के साथ भगवान के शरणों में भी भजन कीर्तन करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज का यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आया है। पसंद आए तो दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।